तो अगर आप लोगों को भी रात को नींद सही से नहीं आती है, सोने में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से चटचट की आवाज आती है, वीकनेस फील होती है, काम करने में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो बनी है आप सभी के लिए। तो आओ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैग्नीशियम होता क्या है। मैग्नीशियम अपनी बॉडी में पाए जाने वाला फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है, जो कि हमको फिट रखने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो डिवाइड होगी 5 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा मैग्नीशियम की कमी से होता क्या है, मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट फॉर मैन एंड वुमेन, मैग्नीशियम रिच फूड्स, मैग्नीशियम एज सप्लीमेंट, मैग्नीशियम बेनिफिट्स। तो आओ आते हैं पहले पॉइंट पे कि मैग्नीशियम की कमी से होता क्या है। डायबिटीज, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है, हार्ट स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हाई बीपी होने लगता है, ट्रिमर्स इन हैंड और लेग्स जिससे आपके हाथ और पैर कपने लगते हैं, आपकी बॉडी में वीकनेस रहने लगती है, नाइट टाइम में आपको लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं लड़कियों को, नौजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिट रहती है, कंस्टिपेशन रहती है, हेडेक रहता है और भूख भी नहीं लगती है। तो आओ साथ के साथ जान लेते हैं कि मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्या होती है मेन और वुमेन्स के लिए। मेन के लिए 350 to 420 मिलीग्राम और वुमेन्स के लिए 300 to 320 मिलीग्राम पर डे। तो इस मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कहां से करोगे, तो चलिए बताता हूं। पॉइंट नंबर 3, मैग्नीशियम रिच फूड्स। तो मैंने मैग्नीशियम रिच फूड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला लीफी ग्रीन वेजीज, जिसमें कुछ नाम है स्पाइनेच, कैबेज, ओकरा, बीन्स, करेला, बोटल गार्ड, इन सभी का मैग्नीशियम इनके आगे लिखा हुआ आएगा, तो आप लोग इनको याद रख सकते हो। तो ये तो बात रही वेजिटेबल्स की, अब जान लेते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनमें हाई मैग्नीशियम होता है। एवोकाडो, कीवी, बनाना, पपाया, ब्लैकबेरी, गुआवा, कोकोनट, फिक्स। कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बाद अब बारी आती है कुछ नट्स और सीड्स की, जो कि कुछ ही अमाउंट में आपके फुल डे रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट, शीशम सीड्स, पिस्ता। तो अगर आप लोग ये सब चीजें खाकर अपना मैग्नीशियम नहीं पूरा कर पाते हो, मैंने कुछ ऐसी भी चीज लिस्ट करी है जिससे खाके आप अपना मैग्नीशियम पूरा कर सकते हो, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, डार्क चॉकलेट और कोकोआ पाउडर। इन सब का मैग्नीशियम इन सब के आगे लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग इनको नोट कर सकते हो या याद रख सकते हो। ये सब फूड्स तो हो गए उनके लिए जो लोग डाइट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग ऑफिस जाते हैं या किसी कारण डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो में आगे कुछ है, तो वीडियो को पूरा देखो। तो चलिए जानते हैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट होते कितने टाइप के हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑर्टेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम लैक्टेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम मैलेट, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट, ग्लूकोनेट और कार्बोनेट कुछ ऐसे मैग्नीशियम सप्लीमेंट हैं जो कि आप अपने डाइट में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये डायरिया और नौजिया जैसी बीमारी क्रिएट कर देते हैं और आपको बॉडी में पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को भी खराब करते हैं। और ये बाकी के बचे कुछ 5 मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो कि आप अपने डाइट में ले सकते हो, इनके कुछ बेनिफिट्स भी जान लो। मैग्नीशियम सिट्रेट, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन तक कैल्शियम को ले जाने में हेल्प करता है, आपके वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, नई बोन्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, लेकिन आप लोग इसको रेगुलरली नहीं ले सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपको हार्ट बर्न से रिलीफ दिलाता है, आपके स्टोमक को सही रखता है, आपको माइग्रेन जैसी बीमारी है तो आप इसे ले सकते हो, ब्लड शुगर लेवल को सही रखता है, आपके हाई बीपी को कंट्रोल करता है, लेकिन आप इसको भी रेगुलरली नहीं ले सकते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके भी कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स हैं। मैग्नीशियम ऑरोटेट, जो कि आपकी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी को दूर करने में काफी अच्छा मैग्नीशियम सप्लीमेंट माना जाता है। मैग्नीशियम लैक्टेट, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में काफी हेल्प करता है। मैग्नीशियम मैलेट एक ऐसा मैग्नीशियम सप्लीमेंट है जो कि आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हो, आप अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो भी ले सकते हो और अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, और ये एक हाई क्वालिटी स्लीप के लिए भी काफी एसेंशियल सप्लीमेंट माना जाता है, जो कि आपके दिमाग में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और अब लास्ट सप्लीमेंट बचा है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो कि इन सब मैग्नीशियम में से सबसे बेस्ट मैग्नीशियम माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल को अच्छा रखता है, आपके मसल को सपोर्ट करता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हार्ट के रिदम को अच्छा रखता है। टेकिंग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बिफोर बेड कैन ऑल्सो रिलैक्स योर मसल्स एंड काम द माइंड, और ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी ट्रीट करता है। और आखिर में बचे कुछ मैग्नीशियम के स्पेसिफिक बेनिफिट्स, जो कि मैंने इस पेज पे मेंशन कर दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है जिंक पे,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, ईट हेल्दी।